महाराष्ट्र के कल्याण शहर में श्री सीताराम जन कल्याण संस्था एवं उत्तर विकास सामाजिक संस्था कल्याण के संयुक्त प्रयासों से एक शाम मालिनी जी के नाम इस लोकगीत और भक्ति गीत कजरी के सुरीले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी के सुरीले गीतों का आनंद उत्तर भारतीय समाज ने लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख प्रवक्ता अशोक पांडे, महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा, राज्य मंत्री संजय उपाध्याय, बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत दुबे, बजरंग दल के कल्याण जिला सह संयोजक राजन चौधरी, मनपा महिला व बाल कल्याण समिति सभापति रेखा चौधरी सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। रोजी रोटी की तलाश में हजारों लाखों उत्तर भारतीय महाराष्ट्र मुंबई की धरती पर आते थे। मुंबई से सटे कल्याण शहर में भी गत अनेक वर्षों से उत्तर भारतीय समाज रह रहा है। समाज के लोगों को एकजुट और एक साथ लाने के लिए कल्याण के आचार्य अत्रे रंग मंदिर में कजरी गीतों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने मालिनी अवस्थी के लोक गीतों का जमकर आनंद लिया। कुछ महिलाएं मंच पर मालिनी अवस्थी के साथ ठुमके लगाते भी नजर आई। इस अवसर पर कल्याण की रहने वाली मिस टीन वर्ल्ड सुष्मिता सिंह भी मौजूद थी। हाल ही में अमेरिका में हुए मिस टीन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सुष्मिता सिंह ने मिस टीन वर्ल्ड का खिताब जीता, इसलिए सुष्मिता का मान्यवरों के करकमलों से सत्कार सम्मान भी किया गया। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन हरिश्चंद्र शर्मा और रवि गुप्ता द्वारा किया गया था। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज। कल्याण में मेरे ख्याल से पहली बार पद्मश्री डॉक्टर मालिनी अवस्थी का आगमन हुआ है, तो मैं इसे शुभ मानता हूं कि आषाढ़ में सावन लाने का काम मालिनी अवस्थी द्वारा हो रहा है। और जिस काशी में, नरेंद्र मोदी की काशी में जो बनारसी कजरी होती है, वो आज चलकर स्वयं कल्याण तक पहुंची है। और अब सावन जब अपने उफान पर होगा तो पूरे देश में कजरी गाई जाएगी, माताओं बहनों को अब उनका मायका याद कराया जाएगा और उपलब्ध भी कराया जा रहा है। मैं कल्याण के आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कल्याण में एक लोक गीतों की गंगा को बहाने का काम किया है।